5,000 ऑर्गन डोनेशन कराने के लक्ष्य के साथ 1,500 डॉक्टरों की संस्था बोरीवली मेडिकल ब्रदरहुड यानी BMB इस वर्ष भी नवरात्रि उत्सव का आयोजन कर रही है। रघुलीला मॉल के जस्मीन बैंक्वेट्स में होने जा रही इस शानदार नवरात्रि के संदर्भ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बोरीवली के KSK रिसोर्ट में संपन्न हुआ, जिसे प्रेसिडेंट डॉक्टर निमेश मेहता, पूर्व प्रेसिडेंट डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर राजेश पांचाल, डॉक्टर गणेश शोनाय, डॉक्टर जिग्नेश मेहता व डॉक्टर प्रतीक जरीवाला ने संबोधित किया। इस इवेंट में मुख्य अतिथि के रूप में मराठी फिल्म जगत के कलाकार उदय नेने, प्रोड्यूसर मोहन परब व बीट सीक्वेंस ऑर्केस्ट्रा के कलाकार उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा, आइए सुनाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मांबे काम होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स, इस मिशन है और इस मिशन के लिए हम पूरे साल तक ये मिशन हमारा पूरा हो उसके लिए हम ये नवरात्रि का एक प्लेटफॉर्म यूज करके हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इंडोर होने वाला है? यस, ये नवरात्रि इंडोर है। बॉम्बे में आज बारिश का माहौल चल रहा है, बारिश कभी आती है मालूम नहीं है। दूसरा, हम डॉक्टर्स हैं, हम ये पहले ही बताया, ये कमर्शियल एंगल से नहीं कर रहे, हम एक सोशल कॉज से कर रहे हैं। तो डॉक्टर खुद उनके क्लिनिक में बिजी रहते हैं, तो रात को 10 बजे का जो लिमिट है उसमें हम अटेंड नहीं कर सकते, हम ही नहीं कर सकेंगे तो पब्लिक के लिए हम क्या दे सकते। तो इसीलिए हमने ये इंडोर वेन्यू सिलेक्ट किया है, जहाँ पर कोई दूसरा टेंशन नहीं है, समय की पाबंदी नहीं रहती है और बाहर नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होता है। इसके लिए अंदर हम इंडोर AC हॉल के अंदर ये नवरात्रि रघुलीला मॉल में टॉप फ्लोर में जैस्मिन बैंक्वेट करके है, वहाँ पर हम ये ऑर्गेनाइज 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक ये करने वाले हैं। हमने ये लास्ट नवरात्रि में जो लॉन्च किया था वहाँ से हम उससे कई साल पहले से हम ये ऑर्गन डोनेशन का कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन देखा कि पब्लिक ये सोशल कॉज के लिए ज़्यादा मोटिवेट नहीं है। तो मोटिवेशन के लिए हमने सोचा कि क्यों ना ये नवरात्रि का प्लेटफॉर्म ले, जहाँ पे बहुत से यंगस्टर्स आते हैं, तो यंगस्टर्स अगर मोटिवेट रहेंगे तो उनके फैमिली मेंबर्स में जब भी ऐसा कोई अनवांटेड इंसिडेंस होता है तो वो मोटिवेट रहेंगे तो इस कार्यक्रम में, इस नोबल कॉज में वो हमारा सपोर्ट करेंगे। इसलिए हमने लास्ट टाइम एक यूनिक ऑर्गन डोनेशन प्रिविलेज कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आप डिसाइड कीजिए, हम वहीं का वहीं आपको रजिस्टर करके एक यूनिक BMB की ओर से ऑर्गन डोनेशन कार्ड देते हैं। हमने लास्ट नवरात्रि में 1200 कार्ड्स वहीं पे वहीं 9 दिन के अंदर रजिस्टर करके दिए थे। सर, एज कम्पेयर टू द रिक्वायरमेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ डोनर्स आर वेरी लेस, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं, मतलब क्या चैलेंजेस करते हैं जब आप किसी को ये इनिशिएटिव के बारे में बताते हैं, या यू नो यू एनकरेज देम टू डोनेट? मैं हमारे प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी है, उनको रिक्वेस्ट करूँगा इस प्रश्न का उत्तर देने। ऐसा है, अवेयरनेस ज़्यादा नहीं है, इसलिए जो रेसिपिएंट हैं और जो डोनर है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शन में डिफरेंस है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये मुहिम लास्ट ईयर चालू की थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, इसलिए हमने सोचा क्यों ना बड़े प्लेटफॉर्म पर जाया जाए। और हमने सोचा ये ऑर्गन डोनेशन सपोर्ट के लिए, प्लस इसमें लोग ज़्यादा सटें, नवरात्रि प्रोग्राम रखा जाता और इस बहाने से एंटरटेन भी हो रहा और ये ऑर्गन डोनेशन का हमारा मुहिम भी चालू रहेगा। हमने रोजाना हर दिन वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर कुछ स्क्रिप्ट किए थे या कुछ भी अवेयरनेस रखा था, हाफ एन का प्रोग्राम डेली ऑर्गन डोनेशन के ऊपर हुआ था। गवर्नमेंट इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस बाई एनी मीन्स, दे आर नॉट पेइंग मनी टू अस, बट एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कॉज, वी वॉन्ट टू प्रोपोगेट दिस थिंग फॉर द गुड ऑफ द पीपल। पिछले साल के जलवे के बाद इस साल कुछ नया क्या करने जा रहे हैं? आपकी नई टीम है, डॉक्टर नवीन मेहता के साथ नई टीम बनी है, कितना जोश है, क्या कुछ नया करने जा रहे हैं इस बार? जैसे कि आप जानते हैं कि निमेश राबल प्रेसिडेंट है, तो इस बार एक नया जोश ये है, जो लास्ट का हमारा स्टेटस था वो तो हम है ही, इस बार नए में ऐसे है कि टाइम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि हम 9 बजे का भी 8 o'clock से चालू करेंगे, वो एक है। हमारे नए सिंगर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये तो इन लोगों को आपको बता, हमारे सिंगर्स हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लस जो
इंटरवल, जैसे सर ने बताया कि जो इंटरवल में हम ऑर्गन डोनेशंस के बारे में अवेयरनेस के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, बिकॉज़ अगर आप स्टेज पे कुछ परफॉर्म करोगे तो लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचेगा, ठीक है। तो इस बार लास्ट जैसे सर ने बड़ा स्किट वगैरह किया, इस बार वो स्किट का और ज़्यादा डिटेल में, एक बेसिक होता है और एक एडवांस कोर्स होता है, तो इस बार उस अभी ये जो है वो एडवांस कोर्स के बारे में कि इस बार और डिटेल में जाके ऑर्गन डोनेशन के लिए कैसे क्या कर सकते उस पर और ज़्यादा हम जानकारी उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा यही है कि लोग हम तक आए, और लोग आए तो उसके बाद उनको अगर आए हैं तो उनको उसके बारे में नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा मिलना शुरू चाहिए। तो अभी एक मेडिकल टर्म्स के हिसाब से भी उनको बताना शुरू करेंगे कि ऑर्गन डोनेशन में क्या करना होता है, ये हमारा इस बार का नया पंच। अच्छा, सर एलिगेशन लगता होगा कि कहीं पर मैं सोचता हूँ ये अंग दान हो जाए जी, डॉक्टर क्या करते हैं उसे बेचते हैं, ये भी क्या लगता है? जी हाँ, ये जैसे आप बोल रहे हो डॉक्टर बेच ले, लेकिन वो ऐसा है कि उसे पेपरों पे है, ठीक है, कहीं कहीं पे होता है ये, बट अभी ऐसा गवर्नमेंट ने उस पर वर्क करना जो शुरू किया है, ZTCC जगह जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, आप डायरेक्टली ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते हैं, आपको आपका जो ऑर्गन डोनेशन का जो डोनर या रिसिपिएंट है वो ZTCC में रजिस्टर होता है और उसके बाद ही आप डोनेट कर सके, जो पहले चल रहा जो आप जब जैसे आपने पूछा, लेकिन अभी उसकी संभावना बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने उस चीज़ को ध्यान में रखने के बाद ही ये पर्टिकुलर मुहिम को हाथ लिया हुआ है। अगर हमें कहीं पर लग रहा है कि ये ठीक से नहीं चल रहा है तो हम पहले उस पर एक्शन लेना शुरू करते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे हर पेपर में प्रैक्टिकली ऑल दिन, हफ्ते में 3 दिन जो है कुछ ना कुछ ऑर्गन डोनेशन पे, आज वहाँ से रेसिपिएंट आया, वहाँ से डोनर आया, तो बहुत चल रहा है, तो अवेयरनेस हमने अच्छी ट्रेट की है। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस एसोसिएशन का कि इस कॉज के लिए मुझे इनवाइट किया, बहुत ही बढ़िया कॉज है मेरे ख्याल से। सेलिब्रिटी क्या, हर किसी को इस कॉज से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे डॉक्टर ने कहा, अगर डोनर नहीं होगा तो रिसिपिएंट उनको ऑर्गन नहीं मिल सकता। मैं जब मुझे इनवाइट किया गया तो मुझे खुशी हुई, और मैं ये इंश्योर करूँगा कि मेरे थ्रू मैं जितने लोगों तक ये बात पहुँचा सकता हूँ अपने सभी पर्सनल हैंडल्स पर मैं पहुँचाऊँगा। मैं चाहूँगा कि मैं एक दिन वहाँ आऊँ, मैं खुद ऐसा एक स्मार्ट कार्ड बना लूँ जो मैं 100% आके करूँगा, ताकि खुद से अगर शुरुआत की जाए तो बाकियों को भी बताना आसान होता है। तो आई विल ट्राई टू हेल्प दिस एसोसिएशन फॉर दिस कॉज थ्रू माय हैंडल्स, मेरे तरफ से जितना इसका अवेयरनेस मैं कर पाऊँगा ज़रूर करूँगा। सर आपसे मैं चाहूँगा, आप क्या करना चाहेंगे, फिल्म्स के थ्रू कितना ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो सकता है? पहली बात तो BMP के जितने भी हैं उनका मैं थैंक करूँगा कि पहली बार बोरेली में कुछ ऐसा कुछ किया गैसल में, और मैं गैसल में ऑर्गन दिया, डोनेट किया कर चुका हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है। उससे एक फ़ायदा होता है कि समाज जो हमारे नज़दीक आता है डॉक्टर से, कि डॉक्टर लोग कोई ऐसे काम करते नहीं है, तो डॉक्टर लोग अगर आगे आके ऐसे काम करते हैं, समाज आगे आने से फैमिली एक गेट टूगेदर बनता है। जिस तरह से आज बहुत कुछ होता है कि डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर वैसा है, लेकिन इस कार्य से क्या होता है कि जो लोग हैं वो जुड़ते हैं, लोग समझते हैं कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर कैसे है, डॉक्टर की फैमिली समझने के बाद डॉक्टर को ज़्यादा विश्वास करना शुरू करते हैं, तो बहुत जरूरी बात है, और ये जो करते हैं बहुत बड़ी बात है। जैसे डॉक्टर निवेश मेहता जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस तरह से वो बहुत सारे सामाजिक कार्य भी करते हैं जो मैंने देखा है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे दोस्त हैं, और BMP के साथ मैं जुड़ा हूँ, और मुझे फक्र हो कि मैं खुद उनके साथ जुड़ा हूँ, और मैं पहला एक ऑर्गन डोनेट देखे, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो ऑर्गन है वेस्ट जाने से किसी को काम पे आए, मैं तो चला जाऊंगा, नेक्स्ट डे लोग भूल जाएंगे, नेक्स्ट डे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें से अपन डिलीट भी कर देंगे, एक बार ऑफ हो गया उसको भी डिलीट कर देते हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे ऑर्गन किस काम पे आते हैं उसके लिए मेरा डिलीट नहीं होगा, मेरा डिलीट जिंदगी में चालू रहेगा किसी न किसी के पार्ट में, वो मेरे लिए खुशी होगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कंटिन्यू रहना चाहिए, इसलिए हम लोग ये हर साल करने का हम लोग का प्लान है, ये सेकेंड ईयर है जब हम लोग ने ये स्टार्ट किया है, और यहाँ पर मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंस है। पर्टिकुलरली नवरात्रि हम लोग ने इसलिए सिलेक्ट किया है कि आज जिनको ऑर्गन डोनेट करना है या जिनके घर में डेथ हो गई और पॉसिबिलिटी है ऑर्गन डोनेट करने की, तो ऑर्गन डोनेट करने हैं या नहीं करने हैं वो उनके घर के यंगस्टर्स को कॉल लेना है। अगर आदमी मर जाता है तो वो खुद तो जिंदा होकर बोलेगा नहीं कि मेरे ऑर्गन्स दान कर दो, तो उनके बच्चे या उनके जो फैमिली वाले उनको ये कॉल लेना है, तो वो लोग ज़्यादा करके जागरूक होने चाहिए ऑर्गन डोनेशन के लिए। इसीलिए नवरात्रि के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, बिकॉज दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई यंगस्टर्स मोर देन एल्डर्स, तो अगर वो लोग अपने घर में जागरूक होते हैं तो उनके घर में कल को किसी की डेथ होती है तो दे विल बी हैप्पी टू डोनेट देयर रिलेटिव्स ऑर्गन्स, तो वो लोग अवेयर होने चाहिए ज़्यादा करके इस चीज़ के लिए। तो जितने ज़्यादा यंगस्टर्स अवेयर होंगे उतने ज़्यादा ऑर्गन डोनेशंस होंगे, रेदर देन ओल्डर पीपल गेटिंग अवेयर, यंगस्टर्स ज़्यादा मोटिवेट होने चाहिए ये चीज़ के लिए। तो ये जो प्लेन थे वो
यंगस्टर में जितना हम अभी से डालेंगे तो आगे जाके अवेयरनेस ज़्यादा फैल सकती है, तो हमें ऑर्गन्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं और सही एज में मिल सकते हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड ओकेजन टू स्टार्ट विथ। अभी सही उस कॉज के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसा ऑर्गन डोनेशन है, बहुत जेन्युइन कॉज है, पिछले साल हम लोगों ने किया था, तो इस बार फिर से जुड़ने का जो मौका मिला है उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बिकॉज पिछली बार हम लोग पहली बार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग इतने बड़े पैमाने पर पहली बार कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुल रहा तो डेफिनेटली सक्सेसफुल रहा है तभी हम लोग दोबारा कर रहे हैं, तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ ग्रुप। फर्स्ट टाइम हुआ है मैं ग्रुप में ऐड हुई हूँ और मैं बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मैं ऐसे ग्रुप में ऐड हुई हूँ जहाँ डोनेशन की बात हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे प्रशांत ने कहा था कि he will be the first person to register, last time मैंने register नहीं किया था, I'll be the second person to register. और कुछ सुगम और कुछ लोकगीत हम लोग यहाँ पर गाएंगे हर साल की तरह, तो एक गाना आप लोगों को। मेहंदी के वारी मेहंदी रंग रा गुजरा तेरे मेहंदी रंग रा गयो मेहंदी के वारी Tushar bhai कर रहे हैं, उत्तर हिंदी में हो रहा है, तो एक हिंदी गाना जो फोक ले हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली बिगड़े पर